गुरुवर, यदि इस उजाड़ स्थान पर मुझे लाने का यही उद्देश्य था तो वो पूरा हुआ। अब हमें यहां से प्रस्थान करना चाहिए। ऋषि श्रेष्ठ, देखिए, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। सदा विजयी भव। आपने मेरे चरण स्पर्श किए, मुझे इस बात का विश्वास हुआ कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। मैं इस घड़ी की प्रतीक्षा में था। और मैं उस घड़ी की प्रतीक्षा में हूं महर्षि, जब आप उनसे क्षमा याचना करेंगे जो निरपराध होकर भी आपके कठोर शाप का दंड भोग रही थीं। इस देवी के साथ दो बलों का दुरुपयोग हुआ है, देव बल एवं तपोबल। साक्षात इंद्र ने देव बल का दुरुपयोग किया और आपने महर्षि तपोबल का। देवी, मेरे शाप ने आपको पत्थर बना दिया, परंतु विश्वास कीजिए, इस शाप ने केवल आपको नहीं स्वयं मुझे भी दंडित कर दिया था। आज मैं श्री राम और ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र के माध्यम से समस्त संसार को संबोधित करके आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं स्वामी, नहीं, भावी को टाला नहीं जा सकता था, भाग्य लेख को मिटाया नहीं जा सकता था, जो हुआ वो होना ही था। भाग्य का लेख मानकर मैं अपने दोष से बच नहीं सकता। मेरा पुरुष होने का अभिमान मेरे समक्ष आ गया। अभिमान विवेक का शत्रु होता है, मुझे इसी शत्रु ने नीचा दिखाया। ऋषिवर, संध्या वंदन कर ले, फिर हम भोजन करेंगे। आप सबको कुछ दिन हमारे आश्रम में ही रहना होगा, यही मेरी विनती है। हम जनकपुर जा रहे हैं महर्षि, और हमें वहां शीघ्र पहुंचना है। ऋषिवर, वहां तो हमारा पुत्र शतानंद कुलगुरु है, उसी ने राजकुमारी सीता को शिक्षा भी दी है। वहां जाए तो हमारे पुत्र से अवश्य मिले और उसे मेरे शाप के अंत का समाचार अवश्य दे। अवश्य देवी, यशस्वी भव। प्रणाम कुलगुरु। आयुष्मान भव, ओजस्वी भव। आपका आदेश हो तो शिवधनुष स्वयंवर स्थल तक पहुंचा दिया जाए। मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था राजन। मंदिर के भीतर पधारिए। शिव शंकर, यह आपके वरदान का ही फल था कि मुझे जनक नंदिनी जैसी सुपुत्री प्राप्त हुई। बस एक विनती यार, आज आपके धनुष यज्ञ में
मेरी पुत्री के लिए एक योग्य वर दिलाने की कृपा भी कर दीजिएगा। जानकी के वर की कल्पना तो मैंने उसी दिन कर ली थी जिस दिन मैंने इसी मंदिर में एक अविश्वसनीय अचरज देखा था। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुत्री, आज बहुत सवेरे आई। हाँ गुरुदेव, आज आँख खुलते ही मैंने निश्चय कर लिया कि सबसे पहले मैं मंदिर जाकर भगवान शिव के धनुष को अपने हाथों से स्वच्छ करूँगी। किंतु यह कार्य तो पुरोहित और उनके सहयोगियों का है, फिर तुम्हें क्या आवश्यकता है? नहीं गुरुदेव, यह लोग अपना कार्य ढंग से नहीं करते। देखिए ना, इस पर कितनी धूल जम गई है। मैं इसे उठाकर स्वच्छ करूंगी। तुम इसे उठाओगी पुत्री? हाँ, क्यों? यह धनुष बहुत भारी है। 10-15 शक्तिशाली सैनिक भी इसे उठाते हैं तो हांफने लगते हैं। किंतु मैंने तो कल रात्रि भी इसे उठाया था। कल रात्रि? हाँ, कल रात्रि मैंने सपने में इसे उठाकर स्वच्छ किया था। स्वप्न तो स्वप्न होते हैं, यह आवश्यक नहीं कि वे सत्य भी हो जाए। नहीं गुरुदेव, मेरे स्वप्न सदैव सच्चे होते हैं। ये देखिए। उसी दिन मैंने यह निर्णय कर लिया कि मैं अपनी पुत्री का हाथ उसी के हाथ में दूंगा जो न केवल मेरी पुत्री की भांति इस शिव धनुष को उठाएगा वरन इस पर प्रत्यंचा भी चढ़ाएगा। राजन, आपकी यह मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। चारों ओर से राजकुमार और राज नरेश आ चुके हैं। इनमें हमारी जानकी के योग्य वर अवश्य होगा। आशा तो मुझे भी यही है, परंतु वो वर कौन होगा, कैसा होगा? हे पाप विनाशिनी गंगा, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जय गंगे। राम, ये पाप विनाशिनी गंगा इस धरती को तुम्हारे ही पूर्वज महाराज भगीरथ की तपस्या का वरदान है। एक बार कपिल मुनि के शाप से राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनका उद्धार करने के लिए गंगा का इस धरती पर आना आवश्यक हो गया। शेष गंगा अवध और मिथिला के बीच सीमा का कार्य भी करती है। हम जहां हैं यह अवध का क्षेत्र है, उस पार मिथिला की सीमा है। इसे पार करके हम मिथिला नरेश के राज्य में प्रवेश करेंगे। कैसी विचित्र विडंबना है गुरुदेव, कि जिस गंगा के तट पर सारे राज्यों के मानव एकत्र होते हैं, वही गंगा दो राज्यों के मध्य सीमा रेखा बनी हुई है। महारानी सुनायना, महारानी सुनायना।
महारानी। स्वामी, शिवधनुष स्वयंवर स्थल पर पहुंच गया। देवी, पुत्री जानकी कहाँ है? वो तो अपनी बहनों मांडवी, उर्मिला और श्रुति कीर्ति के साथ सीमा पर स्थित ऋषियों के आश्रम में दर्शन के लिए गई है। उसे ज्ञात है कि स्वयंवर निकट है। पता नहीं फिर उसे उनके दर्शन का अवसर मिले या ना मिले। पता नहीं फिर मुझे भी अपनी नयनतारा को देखने का अवसर कब मिले। मेरे मन में आज सुख और दुख का विचित्र संगम हो रहा है। ये सोचकर मन प्रसन्न है कि मैं अपनी पुत्री के प्रति पिता का दायित्व पूरा करने जा रहा हूं, पर यह सोचकर मन डूबा जाता है कि मेरी पुत्री मुझसे बिछड़ने वाली है। पुत्री तो धान के पौधे के समान होती है। जिस प्रकार धान का पौधा जब बड़ा हो जाता है तो उसे अपने स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार जब पुत्री विवाह के योग्य हो जाती है तो वो पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर में बस जाती है और फिर एक नए संसार का जन्म होता है। मैं तो ईश्वर से दिन रात यही प्रार्थना करता रहता हूं कि मेरी पुत्री को पति के घर में वो सब सुख मिले जो पिता के घर में मिलता था। मिलेगा, अवश्य मिलेगा स्वामी। हमारी जानकी लक्ष्मी स्वरूप है तो उसे वर भी नारायण स्वरूप ही मिलेगा। महाराज। प्रणाम गुरुवर। ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र मिथिला आ गए हैं। मिथिलेश कहाँ है वे? महामंत्री ने उन्हें अतिथि गृह में ठहराने की व्यवस्था कर दी है। मैं अभी उनसे भेंट करना चाहता हूँ। मैं स्वयं अतिथि निवास कक्ष में जाकर उनका स्वागत करूंगा। चलिए। मिथिला नरेश, मिथिला के ओहो भाग्य जो आपके शुभ चरण यहां पड़े। कल्याणमस्त। नहीं ऋषिवर, नहीं, ऐसा मत कीजिए। क्यों ब्रह्म ऋषि, आयु में आप मुझसे बड़े हैं। बड़ा आयु से नहीं होता ऋषिवर, बुद्धि और ज्ञान से होता है। और बुद्धि और ज्ञान की दृष्टि से देवी अहिल्या और ऋषि श्रेष्ठ गौतम के पुत्र मुझसे कम अथवा छोटे नहीं है। ज्ञान पारस के समान होता है, जो स्वयं तो पत्थर होता है लेकिन जिसे भी छू ले उसे सोना बना देता है। हे शतानंद, आपके पास तो वो पारस रूपी ज्ञान है। मिथिलेश, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के सुपुत्र राजकुमार राम एवं राजकुमार लक्ष्मण। कस्तूरी और पुष्प का परिचय उनके नाम से नहीं सुगंध से ही मिल जाता है। इनके चेहरे का तेज, ललाट का प्रकाश इन्हें दूर से ही राजकुमार होने की घोषणा कर रहा था। मिथिलेश, किंतु ये यहां राजकुमार बनकर नहीं मेरे शिष्य बनकर आए हैं, क्योंकि मिथिला आने का न्योता आपने केवल मुझे दिया था, इन्हें नहीं। इन्हें तो मैं यूं ही अपने साथ ले आया हूं। आप इन्हें यहां लाए इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, किंतु मैंने तो अयोध्यापुरी में भी निमंत्रण पत्र भेजा है। महाराज दशरथ से इन राजकुमारों को भेजने की विनती की है। आपने हमें स्मरण किया। क्या आदेश है महाराज? पुत्र,
मिथिला नरेश अपनी सुपुत्री सीता का स्वयंवर रचा रहे हैं। उन्होंने अयोध्या को भी न्योता दिया है। अब पुत्र राम और लक्ष्मण तो यहां है नहीं, तो तुम ही दोनों मिथिला चले जाओ। जो आज्ञा पिताश्री, हम मिथिला अवश्य जाएंगे। नहीं पुत्र, तुम मिथिला नहीं जाओगे। छोटी रानी, आप राजकुमारों को मिथिला जाने से क्यों रोक रही हैं? मेरा पुत्र राम महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में है। यदि वो यहां होता तो वो भी जाता और साथ में तीनों भाई भी, किंतु वो यहां नहीं है, इसलिए यहां से कोई नहीं जाएगा। किंतु छोटी रानी। महाराज, ये मेरी विनती है आपसे। क्षमा की जगह पिताश्री, किंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि माताश्री का कथन उचित है। पिताश्री, मैं तो भ्राताश्री का अनुयायी हूं, यदि वो मेरे आगे ना चलें तो मैं एक पग भी नहीं चल सकता। यूं भी भ्राताश्री हम सब भाइयों में ज्येष्ठ हैं, तो मेरी समझ में मिथिला जाने का सर्वप्रथम अधिकार तो भ्राताश्री का ही हुआ। ठीक है, जैसे आप लोगों की इच्छा। आयुष्मान भाव। महाराज, आपने तो कहा था शिक्षा पूर्ण होते ही ऋषि विश्वामित्र मेरे पुत्र को अयोध्या ले आएंगे। आप ठीक कह रही हैं, मैंने कहा था। मैं चक्रवर्ती अवश्य हूं प्रिय, किंतु शिष्टाचार के नाते मैं महर्षि को आदेश तो नहीं दे सकता ना। जब उनकी इच्छा होगी वे हमारे पुत्रों को लेकर यहां आ जाएंगे।